मराठा आरक्षण आंदोलन पर बड़ी खबर है। मनोज जरांगे ने अड़चन खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक शानदार काम किया। ये जरांगे का बयान, मैं सरकार का पत्र स्वीकार करूंगा। मनोज जरांगे ने कहा है, सीएम शिंदे के हाथों जूस पीऊंगा। तो एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे हैं जरांगे और ये कह रहे हैं कि उनके हाथों से ही जूस पीऊंगा, उनके पत्र को स्वीकार करूंगा। शिंदे का जो प्रस्ताव है उसको लेकर मनोज जरांगे का बयान। राजीव सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजीव, पत्र मिला, जरांगे तैयार हो गए, कब पहुंचेंगे शिंदे के पास और क्या आश्वासन मिला है जरांगे को? रवि, देखिए जो सीएम का ऑफिशियल शेड्यूल है उसमें मनोज जरांगे से मिलने जाने की कोई टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन सीएमओ सूत्रों के मुताबिक सुबह 8-8:30 बजे के करीब सीएम जो है, चूंकि देर रात ये पूरा अनाउंसमेंट हुआ है, तो सीएम सुबह ही लगभग 7:30 के आसपास अपने घर से निकलेंगे और 8 से 8:15 के बीच में ज्यादा से ज्यादा 8:30 तक पहुंच जाएंगे नवी मुंबई के वासी और वहां पर वो मनोज जरांगे को अपने हाथों से जूस पिलाएंगे और उनका अनशन तोड़वाएंगे। क्योंकि 20 मार्च से ही जालना से निकले हैं मनोज जरांगे अपने मराठा समर्थकों के साथ में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीएम ने भी इस बात का ऐलान किया है कि मराठा आंदोलनकारियों पर जितने भी केसेस हैं तमाम केसेस वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा जो कुनबी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जो सर्वे किया जा रहा है वो जारी रखा जाएगा और जिन लोगों को कुनबी का प्रमाण पत्र मिल रहा है उनको नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा, उनके बच्चों को पढ़ाई में भी रियायत मिलेगी। इन तमाम मांगों का एक डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनेंस का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था अध्यादेश का, और उस ऑर्डिनेंस के डॉक्यूमेंट को लेकर देर रात ही ब्यूरोक्रेट्स की टीम गई हुई थी मनोज जरांगे से मुलाकात की। उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद में, ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद में मनोज जरांगे ने अपनी मांगों को, जो उन्होंने मांगे रखी थी उस पर उन्होंने संतुष्टि जताई कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों पर विचार किया, उसे मंजूर किया है। वो उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो अनशन तोड़ेंगे, लेकिन अनशन तोड़ने के लिए सीएम शिंदे को आना पड़ेगा। तो सीएम शिंदे की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि वो सुबह तकरीबन आज 8 से 8:30 बजे के आसपास वासी में जाएंगे, जहां पर मनोज जरांगे रुके हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोज जरांगे अब मुंबई नहीं जाएंगे, कम से कम उस तरह से तो ठीक है, इस तरह से लाखों मराठों को लेकर जाना चाहते हैं। राजीव, आप नजर बनाए रखें, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए जानकारी। और आपको 30 सेकंड में बताते हैं कि इससे पहले देर रात क्या हुआ। मनोज जरांगे पाटिल की मांग पर नया अध्यादेश लेकर सरकार ने शिष्टमंडल वासी भेजा, जिसके बाद मनोज ने अल्टीमेटम वापस लेते हुए अनशन वापसी का ऐलान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सराहना की। खबर है कि आज अध्यादेश लाने की तैयारी। इस बीच कल गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी मराठा समुदाय को आरक्षण देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मराठा आंदोलन के तीसरे चरण में जरांगे पाटिल 20 जनवरी को जालना स्थित अपने गांव अंतरवली सराटी से मार्च निकालते हुए 25 जनवरी को नई मुंबई पहुंचे थे।